यूपी का महासंग्राम मिशन 2022 के अंतर्गत कौन बनेगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री के अंतर्गत यूपी सीतापुर के विधानसभा 145 मोहली के ग्राम हरनी का मीडिया द्वारा जनता सर्वेक्षण। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ सर्वेश दीक्षित की R9 भारत के लिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत। साथियों, इस समय यूपी में विधानसभा चुनाव 22 के अंतर्गत यूपी के अंदर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि योगी सरकार के विकास कार्यों के बारे में आज यहां पर जानकारी लेंगे कि योगी जी के विकास कार्यों से जनता कितना खुश है और अगला मुख्यमंत्री जनता किसे बनाना चाहती है, इसी संदर्भ में हम मौजूद हैं इस समय उत्तर प्रदेश के सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के 145 मोहली विधानसभा के अंतर्गत ग्राम हरनी में। तो यहां लोगों की राय जानते हैं कि लोगों की क्या राय है, अगला मुख्यमंत्री किसे पसंद करते हैं। चाचा, आप बताएं कि हम बहुत खुश हैं, 100% खुश हैं। हाँ। और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर दोबारा चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ की जी के विकास कार्यों से आप खुश हैं? बिल्कुल 100% खुश हैं। अच्छा, और ये बहुत अच्छा लगा हमें। जैसे पिछली सरकार अखिलेश यादव की थी, उनके बारे में क्या कहना? उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना है, वो तो जो भी था वो तो सब जानते हैं। अच्छा, और ये मायावती सरकार जो थी, ये सब बेकार की सरकार है, सब बेकार सरकार है। हम खुश हैं, मोदी की सरकार से खुश हैं, और हम योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। नाम बता दें अपना? मेरा नाम कमलेश दीक्षित है। आप चाचा बताओ, योगी जी की सरकार अगली किसकी बननी चाहिए? योगी जी की होनी चाहिए। योगी जी की सरकार बननी चाहिए, मुख्यमंत्री योगी जी होना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव? सब बेकार हैं इसमें, अखिलेश यादव बेकार। और क्या, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होना चाहिए दोबारा फिर। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार दीक्षित। नहीं, आप तुम बताओ सरकार किसकी बढ़िया है? योगी आदित्यनाथ सिंह की। योगी आदित्यनाथ सिंह की सरकार बढ़िया है जी। अच्छा, कुछ उनकी खूबियां बताओ। अरे, उनमें बहुत खूबियां हैं। क्या? जैसे? जैसे गल्ला मुफ्त मिलता है, गल्ला मुफ्त मिल रहा है, और का शासन प्रशासन सही चलता है, काम करता है। अच्छा, और क्या मतलब? और इससे पिछले जो सरकारें हुई वो सब सरकारें बेकार थी, सब बेकार है जी। योगी जी की सरकार बढ़िया है, वो अच्छी है। अच्छा, क्या नाम है? जितेंद्र मिश्रा। तुम बताओ भैया, सरकार किसकी बढ़िया है? योगी जी की। योगी जी की सरकार बढ़िया है जी। मायावती की सरकार के बारे में क्या कहोगे? उसको कहना क्या, उसको हमारे समझ में ही नहीं आता। नहीं समझ में आता? नहीं, कुछ तो खूबियां उसमें है। नहीं, कोई खूबी नहीं, नहीं, कोई ना कोई तो खूबियां रही होंगी, लेकिन हमारे समझ से परे। अच्छा, जैसे इससे पहले अखिलेश सरकार थी, अखिलेश सरकार के क्या उनके विकास कार्यों से? नहीं, विकास कार्य सभी के अच्छे थे, लेकिन हमारे समझ से परे थे। अच्छा, मतलब आपकी समझ में केवल योगी जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है? श्याम त्रिवेदी। हाँ, तुम भैया बताओ। अब की बार फिर से योगी सरकार। दोबारा फिर जी, फिर से योगी सरकार जी। नाम बताओ। शुभम दीक्षित। शुभम दीक्षित, आप बताओ चाचा, सरकार किसकी बढ़िया है? सरकार बीजेपी। बीजेपी जी, मतलब दोबारा योगी जी को फिर होना है, सोना है, फिर से होंगे जी। और अखिलेश यादव तो अपना बहुत जोर लगा रहे हैं, तो पिछली बार तो उन्होंने देख लिया है, जीरो मिला था, फिर मिलेगा, फिर जीरो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाम बता दे अपना। जावेद दीक्षित। तुम बताओ भैया। हम नहीं, योगी सरकार, योगी सरकार बढ़िया है। वोट योगी को दोगे? अच्छा, गल्ला मिल रहा है? हाँ, गल्ला मिल रहा है। महीने में कितनी बार? दो बार। दो बार, दो बार मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा? सुशील। सुशील, बताओ भैया, बताओ सरकार। सरकार बीजेपी की रहेगी, रहे है, बीजेपी तो है, लेकिन अगली सरकार किसकी बनेगी? अगली अगली भी यही रहेगी, योगी जी की। और क्या, योगी जी के कामों से काम से खुश हैं। अच्छा, क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, योगी जी की सरकार रही? योगी जी की। हाँ। अच्छा, आप नाम बताओ ना। विष्णु कुमार दीक्षित। आप बताओ माता जी, सरकार किसकी बढ़िया है? सरकार हमका जौन है वही बढ़िया है, जौन है इस समय वही बढ़िया है। गल्ला ले, गल्ला वो धरा घर धरिया है। अच्छा, गल्ला मिला है? क्या मिला है गल्ला में? क्या क्या मिला है आपको गल्ले में? मिले हैं 3 पैकेट, हम खोल के ना देखे। अच्छा, 3 पैकेट चावल। हाँ, सब मिला। गेहूं, चावल, हाँ, दाल, दाली, तेल, सब मिला, सब मिला है। तो सरकार वोट आप जो है योगी जी को दोगी? देगी। हाँ। अच्छा, योगी सरकार बढ़िया है? हाँ हाँ, बढ़िया है। हाँ चाचा, आप बताइए। हम चाहते हैं ये दोबारा सरकार योगी आदित्यनाथ की दोबारा फिर बने, जो इन्होंने इतना काम किया है। हाँ। इतनी सरकारें कुछ नहीं काम आज तक किया ही नहीं। अच्छा। और जिले में नेता होना चाहिए साकेत मिश्रा ऐसा। हाँ। जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। हाँ। कोई जात बात का मतलब नहीं,
लगते हैं और सरकारें जात बात लेकर चलते हैं, मायावती जात बात लेकर चलते हैं, मुलायम सिंह जात बात लेकर चलते हैं, सरकार साकेत मिश्रा जात बात लेकर नहीं चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। साकेत मिश्रा से लेता हूँ और सरकार द्वारा भगवान शंकर से मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि दोबारा सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा फिर बने बार बार बने। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बार 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 हो, सबका साथ सबका विकास लेके और काम करते हैं, कुछ कोई जात बात लेके काम नहीं करते हैं और जनता को इतना फायदा है, इतनी आराम है, कुछ बुझिए मत, फ्री गल्ला मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, गेहूँ मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, तेल मिल रहा है, शक्कर मिल रही है और सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वो 6,000 से 12,000 कर दिया है, इतनी जनता आराम है, गुंडई का कहीं नाम नहीं, जनता आराम से सुखी चैन सो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मगर ये जरूर चाहते हैं कि साकेत मिश्रा ऐसा कर नेता जिला स्तर पर हो तो इतना जनता को आराम मिलेगी, कुछ कह नहीं सकते हैं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और साकेत मिश्रा के आज तक जो भी कार्यकर्ता गया हो, किसी का 1 रुपया खर्च हो गया हो, किसी का 1 रुपया खर्च हो गया हो, तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। साकेत मिश्रा ऐसा नेता दूसरा सीतापुर नेता नहीं है, साकेत मिश्रा मतलब सीतापुर के, हाँ सीतापुर नेता है और पूरे जिले का काम करते हैं, हर नेता हर विधायक अपने क्षेत्र का काम करते हैं, वो पूरी पूरे जिले का काम करते हैं, कहाँ रहते हो और क्या नाम है कोई मतलब नहीं, उनकी उनकी बात सुनते हैं, उनको बैठाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनका काम करते हैं। अच्छा ये बताएं, ये तो ठीक है साकेत मिश्रा जी तो हो गए सीतापुर के नेता, अपने यहाँ विधानसभा मोहली के बारे में बताइए, यहाँ पर किसको आप सपोर्ट, यहाँ अगर त्रिवेदी जी हमारे द्वारा रिपीट होंगे तो हम त्रिवेदी जी की मदद करेंगे और पहले भी मदद किया था फिर करेंगे, बीजेपी की मदद करेंगे, अच्छा, एक चीज ये बताएं, जैसे इससे पहले सपा सरकार थी तो विकास कार्य तो सपा सरकार में भी हुए थे, विकास कार्य इतना नहीं होता जितना योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्य किया है, वो इतनी योजना अखिलेश ने नहीं किया था, क्यों अखिलेश ने 102 चलवाया, 112 चलवाया, 100 नंबर चलवाई, ये सारे कार्य तो अखिलेश सरकार के, मालूम कहाँ कहाँ कितनी कितनी गुंडई होती थी, कितनी कितनी गरीबों को रहना मुश्किल हो जाता था, अच्छा लड़कियां बहू की इज्जत बेइज्जत हो जाती थी, अच्छा अब योगी की सरकार में ठाण से आराम से टहल नहीं, हमारी माताएं बहनें कोई चिंता नहीं, कोई शक नहीं, मतलब योगी सरकार बढ़िया, हाँ बढ़िया सरकार है, अच्छा। और यही हमारा शंकर भगवान से प्रार्थना है कि दोबारा सरकार योगी आदित्यनाथ की हमेशा बने, बार बार बने, और एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर देखना चाहता हूँ, अच्छा दोबारा मोदी जी को भी प्रधानमंत्री, हाँ उनको भी देखना चाहता हूँ, ये जनता की आवाज़ है, हमारे गांव की आवाज़ है, इलाका की आवाज़ है, मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, मैं गांव-गांव समझा रहा हूँ, गांव-गांव प्रचार कर रहा हूँ, मतलब हर जगह जो है बीजेपी की ही, हाँ बीजेपी की चर्चा हो रही है, जहाँ मैं जाता हूँ तहाँ ही सुनता हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत बढ़िया है, फ्री गल्ला मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजकोट दीक्षित, कौन सा गांव है? गांव है ग्राम हरनी, थाना मिला सुल्तानपुर, ब्लॉक एलिया। ठीक, आप बताओ चाचा जी भैया, हाँ ये सरकार किसकी बनना चाहिए? सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बननी चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी की। अच्छा इससे पहले की जो पूर्व सरकार थी सपा की वो कैसी सरकार थी? उस सरकार में गुंडे लफंगे इस टाइप के लोगों को बहुत संरक्षण प्राप्त था, सरकारी संरक्षण में बैठ करके सब काम करते थे, लड़कियों को स्कूल जाना मुश्किल था, विशेष धर्म के लोगों का वो अलग से सम्मान करते थे, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेते थे, ये काम उनका था, अच्छा और तो कोई उनका काम था नहीं, मतलब सर्व सबका साथ सबका विकास जैसी कोई कुछ ऐसा था ही नहीं, स्पेशल जैसे ही वो आए थे वैसे फौरन विशेष वर्ग के लिए तमाम घोषणाएं कर दी थी, मतलब जनता के हित की सरकार नहीं थी सपा, नहीं जनता के, वो विशेष वर्ग के लिए थी, अच्छा विशेष वर्ग के, सबके लिए उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। ये योगी सरकार कैसी सिद्ध हुई? योगी सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, गुंडे माफिया थरथर कांप रहे, थाने में जाके अपने आप सरेंडर कर रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर लो, जो जमीनें हड़पे हुए थे वो जमीनें छोड़ के भाग रहे हैं, जहां पर कुछ लोगों ने भगा दिया था लोगों को वो अपने घर वापसी कर रहे हैं सुरक्षित माहौल में, योगी आदित्यनाथ जी ने एक माहौल बनाया है प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल बनाया है, बिना किसी डर बिना किसी भय के सारे लोग खुशहाल अपने घरों में रह रहे हैं आराम से, सबकी रोजी रोटी चल रही है, सबका विकास समान रूप से हो रहा है, सम्मान सबको मिल रही है, गल्ला सबको मिल रहा है, कोई जातवाद नहीं, कोई धर्म, जो किसानों को फायदा मिल रहा है सभी किसानों को मिल रहा है, चाहे जिस धर्म के हों, जो गल्ला बट रहा है सबको मिल रहा है, चाहे जिस धर्म के हों मकान बन रहे हैं, चाहे जिस धर्म के हों चाहे जात के हों सबको मिल रहा है, आवास योजना का लाभ सबको मिल रहा है, तो इनकी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी इज वर्किंग एक्सीलेंटली और उनका वर्क बहुत ही शानदार है, सारे लोग खुश हैं,
उनका विरोध है नहीं और उनका दोबारा आने के सवाल पर हम यही कहेंगे कि वो हटेंगे ही नहीं तो दोबारा आएंगे नहीं। तो जैसे इस समय सपा के जो मुखिया अखिलेश यादव जो हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं दो सरकार सत्ता में आने के लिए, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, वो सफल होंगे या नहीं? उनका तो विशेष डर है जनता में। अच्छा, जनता तो यही सोच रही है अगर ये दोबारा आ गए तो फिर से वही माफिया राज, गुंडा राज, विशेष धर्म के लोगों की विशेष व्यवस्था और सब हड़पना ये सब फिर शुरू हो जाएगा। तो लोग तो डर रहे हैं इस बात से कि कहीं वो आ ना जाए। अच्छा, इसलिए उनके आने की संभावना है नहीं। पब्लिक सब जो सरकार चल रही है बहुत शानदार काम कर रही है, इसी के पक्ष में है और ज़्यादातर लोग कहीं भी आप जाएंगे सारे लोग इस सरकार की सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार दीक्षित। कौन सा गाँव है ये? हरनी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ग्राम भरनी के अंदर जितने लोगों से भी बात हुई है सभी लोगों ने एक साथ एक ही आवाज़ का नारा लगा है, योगी सरकार फिर से बननी चाहिए और योगी सरकार सबसे सही सरकारों में सबसे अच्छी सरकार साबित हुई है। इसलिए सारे गांव वालों का यही कहना है कि फिर से यूपी में फिर से योगी सरकार। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ सर्वेश दीक्षित की रिपोर्ट, जिला रिपोर्टर सीतापुर।